ट्वेल्थ साइंस के रिजल्ट तो छाते आते हैं, बात ही नहीं है, लेकिन टेंथ का रिजल्ट राजस्थान में हम अनपैरेलल दे रहे हैं। ट्वेल्थ का तो बच्चा हमारा फाउंडेशन का होता है, और ट्वेल्थ रिजल्ट को दोस्तों हम बहुत ज्यादा देते हैं, हमारा मोहित आर्य है, उसके ट्वेल्थ में नंबर आए 90% के आसपास, एक के 96 किसी के आएंगे स्कूल के बच्चे के, तो ये थोड़ा है कि 96 वाला स्कूल का बच्चा मोहित आर्य ज्यादा नंबर ले आएगा नीट के अंदर, सवाल ही नहीं है, बात ही नहीं, कल्पना ही नहीं कर सकते। मोहित आर्य कहाँ जाएगा, ईश्वर कहाँ भेजेगा, देखेंगे रिजल्ट आएगा बताएंगे, याद रखना मेरे लाइव का नाम आज। वहां हमारा मकसद बोर्ड होता ही नहीं है, वहां हमारा मकसद होता है बारहवीं के साथ नीट, या तो बारहवीं के साथ या बारहवीं के बाद उसको ठोक के आना है अपने एग्जाम को। तो दोस्तों ये हमारा केवीएम का शानदार प्लेटफॉर्म है, इसका केवीएम लाइव डॉट इन है, वो हमारा सीएलसी लाइव डॉट इन है, स्कूल हमारा केवीएम लाइव डॉट इन है, दोनों प्लेटफॉर्म है। केवीएम में 9, 10, 11, 12 आरबीएसई सीबीएसई हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का क्लासेज चल रही है। देखो हम लोग क्या क्या बैच शुरू शुरू क्या क्या चला रहे हैं, 11th फाउंडेशन, 12th फाउंडेशन, आईटी मेडिकल इन बोथ मीडियम, 12वीं के बाद आईटी टारगेट, नीट टारगेट इन बोथ मीडियम। केवल स्कूलिंग करनी तो 9th, 10th, 11th, 12th केवल स्कूलिंग, हिंदी मीडियम भी, इंग्लिश मीडियम भी, आरबीएसई भी, सीबीएसई भी, जिसकी बात कल पूरी कर चुका। इसके अलावा 8th, 9th, 10th प्री फाउंडेशन कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहे तो उसके भी दोस्तों बैच चल रहे हैं, और 6 अगस्त से 8th, 9th, 10th का एक सेपरेट बैच शुरू कर रहे हैं प्री फाउंडेशन का, 3 महीने में उस कोर्स को कंप्लीट कर देंगे हम लोग, क्योंकि बच्चे घर बैठे हैं, तो पहले हम 2 क्लास दे रहे थे, वहां 4 या 5 क्लास देके 3 महीने पूरा सिलेबस कवर कर देंगे। इसकी सूचना दोस्तों आपको अति शीघ्र अगले लाइव के अंदर मिल जाएगी। ओके डियर, ये आपकी स्कूल की बात होगी। अब हम जरा कल के मेडल पहना देते हैं एक बार बच्चों को। कल हमारा दोस्तों पहला डीटीएस 2 का पेपर हुआ, डेली टेस्ट सीरीज 2 का पेपर हुआ, तो टॉप बच्चे हमारे अंजलि बालान 153 नंबर, कितने नंबर में से 189 में से, निखिल 131, कृष्णा 117, रवि 117, इनके परसेंटेज लिखो भाई कल से, मोनू 106, उदय 103, कुलांश 93, सुनीता सिद्ध 93, विवेकराज 93, हिमांशु शर्मा 85। हिमांशु अच्छा कर रहा भाई, हिमांशु अच्छा कर रहा भाई, और अच्छा करना बेटा। ऐसे नीट का टेस्ट हुआ कल, नीट का टेस्ट हुआ दोस्तों, 2 टेस्ट थे कल, आओ वापस लो, एक ही तरह है, पहला ये है, दूसरा खोले, दूसरा भी अच्छा, दूसरे में कुछ लोग चेंज हो गए, ये दूसरा 2 टेस्ट हुए उस दिन। टाइम टेबल निकालना एक बार, टाइम टेबल निकालो डीटीएस 2 का, आईटी का टाइम टेबल निकालो, टाइम टेबल निकालो। ये देखो दोस्तों, जैसे कल 27 को टेस्ट हुआ तो एडवांस के 2 पेपर हुए, तो दोनों की रैंक अलग अलग बना ली बोले आदमी ने, एक ही बनेगी कल से, अलग अलग नहीं बनेगी इनकी, तो आज वापस आ जाओ, तो दोनों की रैंक अलग अलग बना दी लोगों ने, एक ही बनेगी और 2 अलग नहीं बनेगी। यहाँ अंजलि, निखिल, विकास, रवि, विवेक, मोनिका, मोहित, पूर्वांश और रितिका, रितिका छोरी बहुत दिनों बाद रैंक पाई है भाई, अरे केसी चौधरी सर थोड़ा सा उसको मोटिवेट करो, हमारे केसी सर की फैकल्टी है, उनकी भतीजी है रितिका, बेटा थोड़ा और अच्छा कर, और हिमांशु शर्मा अच्छा कर रहा है। अब मेडिकल की बात करें तो मेडिकल में दोस्तों चेतन वर्मा 355 पहला टेस्ट हुआ, कुल 18 टेस्ट होने, 360 का पेपर था, हमीद हो गया, जीतू कपूर, राहुल कुमार 12th का बच्चा, देखो इस सुनो रहे बच्चा, इस लड़के की एज नहीं है इस साल, मतलब आप एक चीज देखो यार, बच्चे कितने काम करते हैं, थोड़ा सा देखने वाले जो लाइव देखने वाले से बात करना चाहता हूं मैं, राहुल कुमार की एज नहीं है इस साल नीट 2020 की, फिर भी इसने पूरी जान लगा रखी है। कई बच्चे अभी पढ़ाई नहीं करेंगे हमारी उम्र, ये देखो इसकी एज टॉपर है, प्रज्ञा यादव, आरती, सुमैया, सुमेधा, मोहित आर्य और मोनिका सेन, आप देखो दोस्तों इसमें 2 बच्चे 12वीं क्लास के हमारे, सुमेदार सुमैया लड़कियों ने बहुत अच्छा किया है, लोगों ने मोनिका सारे अच्छे चेहरे दिख रहे हैं, ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं डियर। तो ये हमारे दिल्ली टेस्ट सीरीज 2 के टॉप 10 बच्चों के दोस्तों फोटोज हैं, उनकी रैंक लिस्ट है। बुधवार को कल हमारा बीआरसी स्कूल पे लाइव रहेगा, अपना जो बीआरसी स्कूल है उस पर भी कल चर्चा की जाएगी, जिसको सीबीएसई का अभी मान्यता मिली है, जिस पर चर्चा अपन करेंगे। ओके डियर, सारी बातें होगी मेरे हिसाब से। हाँ जी, अब एक बार मैं असेंबली को समराइज करता हूं, रिजल्ट बताता हूं, फिर 2020 के बच्चों से बात होगी, 21 के बच्चों से बात होगी। अब दोस्तों एक बार जोरदार तालियां बजाते हुए हम लोग केवीएम के 10th के रिजल्ट पे आते हैं, जो अनपैरेलल है। ये देखो दोस्तों 10th आरबीएसई रिजल्ट 2020, 95% से ऊपर 9 स्टूडेंट है, बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। अतुल गुजर, अतुल बहुत सारा लाड मेरे बेटे को, बहुत सारा प्यार, हमारा छोटा सा मासूम सा बच्चा, बहुत अच्छा बच्चा था हमारा, 97.5% के साथ टॉप किया है दोस्तों। 90% से ऊपर क्या उन बच्चे हैं, लेकिन 89 से 90% के बीच हमारे 14 बच्चे हैं। वैसे तो काफी कई हमारे संस्था साथी कई बार इस 89 को गोल गोल करके 90 कर लेते, वो नहीं करता। ये वो है जिसकी मार्कशीट में 90% लिखा हुआ है,
89 लिखा हुआ और 90 तक दोस्तों 14 स्टूडेंट हैं, ये 89 को 90 में कन्वर्ट कर लें जो लोग करते हैं तो आपके सामने दोस्तों संख्या वापस बढ़ के हमारी वही 65 हो जाती है जो पिछली बार हमारी 66 थी। तो एक बात बताऊं मैं आपको, तो 51 लड़का 51 स्टूडेंट अबाउ 90% है। अब चेक कर ले अब ये रिजल्ट अच्छा है या नहीं है, पता कर ले भाई, पता कर ले अपने शहर में कस्बे में, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, हमारी केवीएम ने अपने केवीएम ने क्या उन बच्चे दिए हैं। और 89 से ऊपर बात करें तो 14 और जोड़ दे तो 14 और 51 दोस्तों आपके सामने 65 बच्चे हो गए और 9 बच्चा। और ये सिर्फ एक बात और सुनना, ये हमारा रिजल्ट सीकर केवीएम स्कूल का है, हमारी ब्रांचेस को शामिल नहीं किया है, तो ये केवल कृष्णा विद्या मंदिर स्कूल जो केवीएम स्कूल है सीकर का वो है इसमें। ओके, और 97.5% लिस्ट खोलो बच्चों की सबकी, इनकी अबाउ 90 वालों की, तो आपको दिखाते हैं अबाउ 90% के जो बच्चे हैं। आ जाओ भैया, एक एक बच्चे का परिचय कराते हैं, बड़ा करो भैया, आ जाओ जी। सबसे पहले देखो दोस्तों, अतुल गुजर नौलगढ़ झुंझुनू का बच्चा, ताली बजे बच्चे के लिए। प्रीति 96.5, ये भिवानी की बच्ची है, ये वही बच्चे दोस्तों जिसने सीकर को टॉप किया था एनटीएससी में। शिवम झाजड़िया चिड़ावा अभिभावी से झुंझुनू का बच्चा है। आशीष राजगढ़ चूरू का बच्चा 96.5। तुषार उनानिया टोंक का बच्चा 96.3। भूपेन मीना धौलपुर का बच्चा 95.67 जो सिलेक्ट एनटीएससी के अंदर। उसके बाद नवीन वर्मा खंडेला का बच्चा 95.5। नीतू भिवानी की बच्चे 95%। नीरज यादव तिजारा का बच्चा 95%। रवि कुलड़िया जायल का बच्चा नागौर का 94 दूर। देखो दोस्तों आप देखो फर्स्ट लाइन में झुंझुनू हरियाणा, झुंझुनू चूरू टोंक धौलपुर सीकर हरियाणा अलवर, आप देखो दोस्तों एक साथ दिखाना पूरा, आप देखें इसमें टॉप लाइन में एक बच्चा हरियाणा, दो बच्चे तो दोस्तों हरियाणा के हैं। सोचो टेंथ क्लास का हरियाणा का बच्चा, यानी वो नाइन्थ छोटा सा आठवीं पास करके हमारे पास नाइन्थ में आ गया था। और दोस्तों अब ऐसे रखना इसको और थोड़ा सा बड़ा कर दे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे, बस स्क्रीन एक साथ रख पूरी। इंद्र कुमार सियाग डूंगरगढ़ का बच्चा 94%, अशोक सियाग का भाई है, अशोक सियाग जिसने पिछली बार 96% 12th क्लास में लिए थे, उसके भाई या परिवार में बच्चा है जो लड़का सिलेक्ट हुआ था अभी 12th आईटी में। असद खान पिंक हाउस गली सीकर का बच्चा 94.6%। प्रियंका चौधरी हमारे सामुद्री बच्ची है 94.3% जो सिलेक्ट एनटीएससी में। रामदयाल बीकानेर का बच्चा 94.3%। निशांत कुमार उदयपट्टी 94.3%। अमन कुमार लक्ष्मणगढ़ 94.17%। अपूर्वा रामगढ़ 94%। हरतोज जयपुर का बच्चा 93.67%। आशीष मिठारवाल श्रीमाधोपुर 93%। विजय पुनिया ये वाला लड़का, वो विजय पुनिया जिसको मैं अब इसके 93% रह गए इसके, आप हर पेपर बाकी सब 97 है, एक मैथ में 76% नंबर आ गए। ऊपर ले बड़ा कर, इधर लिया इसको, इधर ला बड़ा कर ले, इधर लिया, इधर लिया ऊपर ले। पंकज 93% निमका था जो सिलेक्ट है एनटीएससी में या एसटीएससी में, दोनों सिलेक्ट है मेरे ख्याल से। बाजिया जी सिमरन भामू भैरूपुरा की बच्ची 93%। पीताम्बर जगावत चिड़ावा का बच्चा है जो सिलेक्ट है एसटीएससी में, वैसे हमारे फतेहपुर बच्चा है वैसे तो। मुस्कान यादव पुलिस लाइन मानगढ़ की बच्ची 93%। पूजा भिवानी की बच्ची 93%। अभिनव मुंडावा नागौर का बच्चा है 93%। आसिफ खान मलसिसर का बच्चा 92%। कुलदीप बेरवाल छोटी पंडोली का बच्चा 92%। वीरेंद्र मीना स्वयंपुर 92%। अर्चना निमराना अलवर की बच्ची 92%। ये सारे बच्चे सीकर पढ़ते हैं भाई, आप सोचो अलवर के अलवर ब्रांच में। ये लड़का दोनों सेलेक्ट है ना अपना, पंकज दोनों बने, हाँ नीचे लाओ इसको। अब ये बच्चा देखो, ये पंकज इसका स्कोर 93 है, ये एनटी सेलेक्ट है, ये एसटी सेलेक्ट है, बोर्ड का पर्सन 93% है इसका। ये बच्चा प्योर परी फाउंडेशन में था, एनटी सेलेक्ट है, एसटी सेलेक्ट है और 93% नंबर दोस्तों यहां भी आए हैं, तो कोई इश्यू नहीं होता है दोस्तों। ऐसे नीचे आओ, रितु भिवानी की बच्ची 92%। आयुष उदयवाटी का बच्चा 92%। रवीना कुमार पिपला रोड की बच्ची है 92%। ममता सियाग लुंगरन की बच्ची 92%। ये भी अशोक के परिवार की बच्ची है, अशोक की बहन ये परिवार में ही है। उर्मिला जारोटिया कुचामन सिटी 92%। अजय मीना दोसा 91%। सानिया अलवर की बच्ची 91%। नेहा पिपला रोड की बच्ची 91%। हर्षिता अजमेर की बच्ची 91%। प्रियांशी चौधरी आरटीओपी सीकर की बच्ची 91%। गरिमा कुमावत सीकर की बच्ची 91%। अनिसा भीमसर झुंझुनू की बच्ची 91%। तुलसीराम जाट टोंक का बच्चा 91%। प्रियंका फतेहपुर रोड सीकर की बच्ची 90%। निकिता कुमारी लक्ष्मणगढ़ सीकर की बच्ची 90%। इसाद चिड़ावा का बच्चा 90%। धनुरिका सीकर की बच्ची 90%। कल्पना जयपुर की बच्ची बदाल की 90%। कनिका झुंझुनू की बच्ची 90%। मोहित यादव कोटपुतली का बच्चा 90%। नवदीप छिल्लर जो सिलेक्ट है एनटीएससी में, इसकी बड़ी बहन सिलेक्ट है अपने यहाँ से मेडिकल में फ्रेशर,
90%। दोस्तों हो गए सब बच्चे, ये आपके सामने 51 बच्चे हैं जी, ये वो 51 बच्चे हैं दोस्तों जिनका स्कोर अबाउ 90% है। 89 नहीं है भैया, कहीं भी 89-90 नहीं करता श्रवण, श्रवण कभी झूठ नहीं बोलता। इसलिए परेशान भी खूब हुए लेकिन सफलता भी खूब मिली, दोनों बातें हैं दोस्तों। ये अब मैं उन लिस्ट दिखाऊं आपको जो 89% पे है, ऐसे लिस्ट लेके आए, ये देखो लिस्ट नहीं है क्या उसकी, लिस्ट हो बच्चों की, जाओ उनके जो 89 कुल रिजल्ट दोस्तों ये है। टॉपर 97% पे है, अबाउ 90% 5 बच्चा है, अबाउ 90% 51 बच्चा है, अबाउ 65 बच्चा है, अबाउ 88% दोस्तों 78 बच्चा है, और अबाउ 85% 108 बच्चा है। 108 बच्चा वो है जिसका स्कोर दोस्तों अबाउ 85% है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है भाई। ओके डियर, ये रिजल्ट है आपकी स्कूल केवीएम का, यानी केवीएम सीएलसी। देखो सुनो, कहना बहुत आसान है, जी बलाना बहुत आसान है, सीकर का लीडर सीएलसी क्यों है मैं प्रमाण दे रहा हूं लो आज, थोड़ा सा मेरे साथ हो जाओ एक बार। प्रमाण दे रहा हूं कि सीएलसी एकमात्र संस्था है जो आईआईटी और नीट दोनों पे पैरेलल काम कर रही है। खुद आप पूछ लो सीकर बाकी कौन से काम कर रहे हैं। जेई का रिजल्ट है अटेम्प्ट जनवरी का, टॉप किसने किया, निखिल अग्रवाल ने, सीकर के बच्चे ने किया। रिजल्ट है एनटीसी का, टॉप किसने किया, प्रीति ने किया। रिजल्ट लास्ट नीट 2020 का है, टॉप किसने किया, सीकर के सीएलसी बच्चे ने किया। और टेंथ का रिजल्ट आता स्कूल का, हमारे आसपास ही नहीं है कोई, 51 बच्चा, कल्पना कर ले भाई। तो चाहे स्कूलिंग हो, चाहे प्री फाउंडेशन हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे मेडिकल हो, दोस्तों 100% सब जगह काम करने वाली सीकर की एकमात्र संस्था है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कहता हूं, वो सीएलसी है। तो आप निश्चित रूप से इस बैनर की उंगली पकड़, अब तो हमारा स्कूल भी खुद का सीबीएसई स्कूल हो गया अपना। अब अगला मेरा 2 साल का विजन मैं आपको आज क्लियर कर देता हूं। मेरे 2 बेटे हैं, मेरा बड़ा बेटा साहिल है, वो 16 से मेरे साथ खड़ा हो गया था, वो मेरे साथ खड़ा हुआ, तो आज ऑनलाइन परफेक्टली काम कर रहे हैं हम लोग आज दोस्तों। सीएलसी में तो ऑनलाइन चल ही रहा है, हमारा स्कूल जो है केवीएम वहां भी डियर 650 बच्चा ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है डेली, 2000 बच्चा इनरोल हो चुका है। साहिल के आने से आईटी संभाला पूरा उसने, आज हमारा सिस्टमेटिक स्टडी मटेरियल कंप्लीट है, एक पूरी टीम सेट है। और मैं आज शायद बताऊं आपको, जो मेरा जो हमारा बिहार स्कूल है चेलासी वाला, वो मेरा छोटा बेटा 12 महीने बाद अपने एनआईटी की डिग्री कंप्लीट करके मैं खड़ा हो रहा है, वो उसका प्रोजेक्ट है। हमारे परिवार का पूरा जीवन हमने दे रखा संस्था के नाम, जो हमारी स्कूल दिया सीबीएसई अपन ने, वो एक आवासीय विद्यालय बनाएंगे हम अगले 2-2.5 साल के अंदर अंदर, शानदार वाला, जहां और उसके संरक्षक अभी मैं बता दूं आपको, उसके जो मूल संरक्षक है वो हमारे सीकर के सांसद हैं, तो पर से मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं हमारे स्वामी सुनंदन जी हैं, जहां बाकायदा हम अध्यात्म को, योग को, शिक्षा को, साइंस को, विज्ञान को, दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, ज्ञान को और विज्ञान को दोनों साथ जोड़ेंगे उसमें लोग। एक अलग थीम पे काम चल रहा हमारा, क्योंकि जीवन इसके नाम कर रखा है, ये जीवन पर्यंत प्रोजेक्ट है हमारा, ये बाई चांस पार्ट टाइम लाइफ, पार्ट टाइम जॉब नहीं, हमारे लिए पार्ट टाइम जॉब नहीं है ये। और दोस्तों संस्था की क्वालिटी से बात की है कि आज यूपीएससी का कोई रिजल्ट आया चाहिए, बहुत गहरी बात कह रहा हूं मैं, सीएलसी क्या पैदा करती है, यूपीएससी का रिजल्ट पिछले 4 साल में हर रिजल्ट में संस्था के 1 से 2 बच्चे हमेशा रहे हैं। आरपीएससी में तो रहते हैं, आरपीएससी में तो पिछली बार करीब हमारे 70-80 बच्चे थे ओवरऑल आरपीएससी की लिस्ट में, जो चाहे एलाइड में जाए, चाहे आरएस बने, आरपीएस बने। यूपीएससी में भी दोस्तों ऐसी कोई एग्जाम, चाहे गेट का एग्जाम हो, चाहे आईईएस का एग्जाम हो, हर जगह बच्चा होता दोस्तों सीएलसी का, क्योंकि सिखाया जाता उसको। और साहब बात नहीं कर रहा हूं, आज मुझे 124 दिन हो गया, आज मेरे को 124 दिन हो गया दोस्तों लाइव आते हुए, कहना बहुत आसान है, इसका मतलब मेरी दिनचर्या है, मेरे जीने का तरीका है ये तन। आप अभी मेरा खुद का नंबर है 9928733 आप रिंग करके देखना, उसमें गाना बहुत शानदार बजता है, श्रवण कुछ बाई चांस नहीं करता, सुनना गाने को भाव है मेरा। अभी जो मेरी कोलोटोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मेरी जो कोलोटोन है ना, उसको आप एक बार मिला के देखना, वो गाना किसी फिल्म का है लेकिन उसका भाव समझना, मेरा भाव वही आपके लिए सबके लिए बच्चों, मेरा भाव हुआ उसको गाना बजता, आप जानते हो कि वो गाना बाकायदा एक सोच के ढूंढ के उसको बने, बचपन में इस गाने से प्रभावित था मैं, तो वो गाना बचपन में कभी किसी ने मेरे लिए गाया था, तो आज आपके लिए गा रहा हूं गाना, ठीक है डियर। तो ये आपकी सारी व्यवस्थाएं थी, तो आज की बात को 7:07 हो गए, अब क्लास की तरफ आएंगे, क्यूज की तरफ आएंगे, एक बार फिर से रिजल्ट दिखा दूं आपको केवीएम का दोस्तों। मैं फिर से देखो दोस्तों 97 अतुल गुजर को बहुत बहुत धन्यवाद, जो लड़का 89 से 90 के बीच, देखो बच्चा दिखाऊं, 14 बच्चा दिखाओ, लिस्ट आई ना एक जगदीश जी, ये देखो अनुसैया, एक साथ रोल नंबर दबा दे, रोल नंबर दबा दे, अब देखो दोस्तों
अब अनुसया नाम की बच्ची है 89.67, यहाँ नंबर 75 आगे केवल। सुमित जानी इसके यहाँ 79 आगे, 89% है। विकास 89% है। आकांक्षा चहल 89%, निधि 89%, विशाल सिंह 89%, मनीष मून 89.5, संगीता 89.3, शोपाल चोपड़ा 89.3, नितेश नकवाल 89, नकवाल, प्रहलाद कुमार 89.17, भावना 89.17, प्रियांशु पिछड़े गया 89%, और सानिया कुमार 89। ये आपके सामने 14 बच्चे जिनको अक्सर लोग बार 89 को 90 कन्वर्ट कर लेते हैं। ये सीएलसी, ये केवीएम, आईटी, मेडिकल, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, खुद का स्टडी मटेरियल, खुद के 3 सेंटर, खुद का कोटा में टेस्ट सेंटर, सफलता प्रूव चलता है, काम होता है डियर। और लॉकडाउन में यदि आप अकेले बैठ के पूछे तो जितना काम सीएलसी के मैनेजमेंट ने किया है पता कर लेना भाई। बच्चों, ये ऐसा मौका है जब आपको अपने सीएलसी होने प्राउड हो रहा है, घमंड होता आपको अपने सीएलसी होने पे, तभी आप लिखते हो जय सीएलसी में अपने प्यार से। पूरे प्रीवियस पेपर के वीडियो सॉल्यूशन, टॉपिक वाइज, फिजिक्स पंच, आप मुझे बता दो ना किस कोचिंग ने दिया है, बात करने से क्या होता है, पता होना किसने दिया है, क्या किसी ने दिया, हमने दिया है, और यूट्यूब पे सारा मैटर पड़ा है, कोई कॉस्ट नहीं, कोई चार्ज नहीं। डीटीएस डायमंड टेस्ट सीरीज फर्स्ट, डायमंड टेस्ट सीरीज सेकेंड, डीटीएस फर्स्ट, डीटीएस सेकेंड, 13 सितंबर तक आपके साथ हैं, तब एग्जाम होनी होनी है। ओके डियर, तो एक बार फिर से बात को समराइज करूं, हर थर्सडे को आपके अपने सीएलसी रो बैच नए बैच स्टार्ट करती है, वो चाहे स्कूलिंग के हो, चाहे प्री फाउंडेशन हो, चाहे फाउंडेशन हो, या टारगेट हो। दोस्तों, अब ये लॉकडाउन कम से कम 2 महीने शायद और रहेगा, डेट अनाउंस सरकार ने कर दी मेरे ख्याल से। आज एक मीटिंग थी प्रधानमंत्री जी की, आज या कल इसका फैसला आ जाएगा। तो भैया घर नहीं बैठे, अब ऑनलाइन ज्वाइन कर लें, और 5 अगस्त के बाद आपको स्टडी मटेरियल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप आके स्टडी मटेरियल लेके जाएं, अलवर, जयपुर, जोधपुर, सीकर, जो भी नज़दीक है वहाँ से आप अपना स्टडी मटेरियल, जो बाकी की फॉर्मेलिटीज़ हैं ऑफिशियली उनको पूरा करने के बाद आपको सारा स्टडी मटेरियल दे दिया जाएगा। बोलो हाँ या ना। एक बार फिर से मेरे अतुल को और मेरे सारे बच्चों को और मेरी पूरी टीम को, हमारी केवीएम की पूरी टीम को धन्यवाद देते हुए, आपका सबका आभार, बाबा का बड़ा आशीर्वाद, बड़ी मेहर कि केवीएम ने अपने प्रचम को पहरे रखा। और ये संख्या है क्या, छोटी है या बड़ी है, या आप अपने कस्बे में जहां बैठे हैं, हर आपके कस्बे में हर स्कूल का विज्ञापन आएगा, व्हाट्सएप आएगा, फेसबुक आएगी, कंपेयर कर लेना, कहीं ज्यादा मुझे मिल जाए तो मुझे बता देना, नहीं तो कह देना हमारी क्यों हाईस्ट बैठी है। क्लियर, और कोई बात तो। ये दोस्तों हमारी पूरी व्यवस्था थी, ये रिजल्ट था केवीएम का। आगे और फिर से कहता हूं, कल बुधवार को जो लाइव रहेगा हमारा, वो दोस्तों लाइव रहेगा हमारी बीआर जो सीबीएसई हुई है, इसके बारे में बात की जाएगी। बीआर स्कूल जो एक बड़ा फ्यूचर है सीकर के एजुकेशन हब में, सीकर की एजुकेशन में एक